अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी न्यूज़ दुनिया भर से में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं दुनिया भर से की सुर्खियों पर एक नज़र। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाकई 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क, आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुटा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तसव्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलत मंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। ट्रंप ने राहत पैकेज रद्द कर दिया, अमरीकी सकते में। बाइडेन ने कहा, जिम्मेदारी संभालते ही बिल पास करूंगा। कतर और UAE में कोविड वैक्सीनेशन शुरू, अमाराती फतवा काउंसिल ने कहा, खिंजीर के अज्जा हो तब भी वैक्सीन जायज है। फ्रांस और डेनमार्क में भी वायरस की नई शक्ल पाई गई, कोरोना अंटार्कटिका भी पहुंच गया। WHO की हंगामी मीटिंग में वायरस की नई शक्ल पर गौर, यूरोपीय मुल्कों ने बर्तानिया के लिए सामान पर पाबंदियां नरम की। इंडिया के कोविड केसों में 24,000 का इजाफा, कर्नाटक में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया। ट्रंप ने इराकी कत्लेआम में शामिल सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स की सजा माफ कर दी। इसराइल को तस्लीम करने से त्यूनस का इनकार, कहा फलस्तीनी भाइयों के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। इसराइल में 2 साल में चौथे इलेक्शंस का रास्ता साफ, नेतन्याहू और बिनी गेंट्स के दरमियान हंगामी इत्तेहाद टूट गया। पेश खबरों की तफसीलात। यूनाइटेड नेशंस में यूरोपीय यूनियन के सफीर ने 2015 की न्यूक्लियर डील की तायद की है और कहा कि इस समझौते का कोई बदल नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल की एक वर्चुअल मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील में न्यूक्लियर फैलाव को रोकने के हवाले से अहम काम ईरान ने किया है। सफीर ने यह भी कहा कि 27 रुकनी यूरोपीय यूनियन को न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने के अमरीका के फैसले पर अफसोस है, जिसके बाद ईरान के खिलाफ पाबंदियां भी लगाई गई, जिससे समझौते पर अमल मुतासिर हुई। यूरोपीय सफीर ने ईरानी लीडर्स की जानिब से मिलने वाले इशारों की तायद की, जिन्होंने कहा है कि वो न्यूक्लियर डील में वापस होने के लिए तैयार है। इस दौरान यूनाइटेड नेशंस के एक अहदेदार ने कहा कि ईरान को न्यूक्लियर डील के तहत अपनी जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार नहीं करना चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के दौरान अंडर सेक्रेटरी जनरल सियासी मामलात रोजमेरी डिकालो ने ईरानी हुकूमत और दूसरे फरीकों से कहा कि वो ऐसी कोई सरगर्मियां अंजाम न दें जिनसे माहौल खराब होता हो। उन्होंने ईरान के साथ तिजारती और माशी ताल्लुकात में आसानियां पैदा करने के लिए UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस की पहल की तारीफ की। अफ्रीका के मुल्क त्यूनिस ने कहा है कि फलस्तीन के बारे में उसकी पॉलिसी नहीं बदली है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। त्यूनिस के वज़ीर ख़ारिजा ने यह बात साफ की कि वो मोराको की तरह इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा और फलस्तीनियों के जायज हुकूक के बारे में उसकी पॉलिसी नहीं तब्दील होगी। वज़ीर ख़ारिजा ने अपने फेसबुक पेज पर जारी एक बयान में मीडिया की उन रिपोर्ट्स को रद्द कर दिया कि त्यूनिस इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने जा रहा है। वज़ीर ने कहा कि त्यूनिस अपनी इस पॉलिसी को दोहराता है कि फलस्तीनियों के हुकूक उनके लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं और एक आजाद फलस्तीनी रियासत बननी चाहिए जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स हो।
वज़ीरे खारजा ने कहा कि ट्यूनिस ऐसी किसी कोशिश में शामिल नहीं होगा जिसके जरिए फलिस्तीनी भाइयों के हुकूक सल्ब किए जाते हैं। वज़ीरे खारजा ने यह बात एक ऐसे वक्त कही है जब इसराइल के एक डेलीगेशन ने मोराको का दौरा शुरू किया है। इसराइली डेलीगेशन के साथ मोराको के साथ बातचीत में हिस्सा लेने के लिए अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर भी रबात पहुंचे हैं। 100 से ज्यादा यहूदी आबादकारों ने एक मरतबा फिर मस्जिद अक्सा की बेहरमती की। फलिस्तीनी इन्फॉर्मेशन सेंटर ने बताया है कि उन्होंने बेहरमती की है। पुलिस की हिफाजत में 108 यहूदी आबादकार मगरबी दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और इस तरह की सरगर्मियां मामूल बन गई है। फलिस्तीन नेशनल काउंसिल ने इसराइली पार्लियामेंट को दुनिया की नस्ल परस्त पार्लियामेंट करार देने का मुतालबा किया है। काउंसिल के चेयरमैन सलीम अलजुनून ने मुख्तलिफ मुल्कों के पार्लियामेंट्स के स्पीकर्स को एक खत लिखते हुए यह मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि इसराइली पार्लियामेंट एक नस्ल परस्त जमहूरियत दुश्मन और इंसानी हकूक की मुखालिफ पार्लियामेंट है जिसने फलिस्तीनियों के साथ इम्तियाजी सलूक करते हुए काले कानून बनाए। इसराइली रियासत पार्लियामेंट को अपने मकरू इरादों को पूरा करने के लिए आले के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। फलिस्तीनी इलाकों में गैर कानूनी यहूदी बस्तियों को दस्तूरी शक्ल देने के लिए कानून की मंजूरी इसकी ताजा मिसाल है। इसराइली पार्लियामेंट के 2 साल में चौथे इलेक्शंस होंगे। मुल्क में हंगामी हालत से निपटने के लिए बनाया गया इत्तेहाद टूट गया है जिसके बाद नए इलेक्शंस का रास्ता साफ हो गया है। 112 रुकनी इसराइली पार्लियामेंट में एक दिन कबल जबरदस्त गड़बड़ हुई। आधी रात तक जारी इस सेशन के खत्म होते ही बजट को मंजूर करने की डेडलाइन भी खत्म हो गई। ये इलेक्शंस अब मार्च में हो सकते हैं और इस तरह नेतन्याहू और बेनी गेंट्स की पार्टियों लिकुद पार्टी और ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के दरमियान इत्तेहाद नाकाम हो गया है। ये दोनों एक दूसरे की मुखालिफ पार्टियां हैं लेकिन कोरोना वायरस से पैदा हंगामी सूरत हाल से पैदा शुदा हालात से निपटने के लिए एक तवील बातचीत के बाद एक मिलीजुली हुकूमत बनाई गई थी। नेतन्याहू ने कौम से खिताब में कहा कि वो इलेक्शंस नहीं चाहते। पिछले इलेक्शंस में किसी भी पार्टी या पार्टियों के इत्तेहाद को हुकूमत बनाने के लिए जरूरी सीटें हासिल नहीं हो पाई। इलेक्शंस को टालने के लिए आखिरी लम्हे तक की गई कोशिशें भी नाकाम साबित हुई। कल रात के सेशन के बाद इसराइली पार्लियामेंट अज खुद तहलील हो गई है। यमन की अलहौसी हुकूमत ने कहा है कि अगर सऊदी अरब की नाकाबंदी बरकरार रही तो उसकी बंदरगाहों पर हमले किए जाएंगे। अलहौसी हुकूमत के वजीर खारजा हशाम शर्फ अब्दुल्ला ने सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों को वार्निंग देते हुए कहा कि उन्हें यमन की जमीनी समंदरी और हवाई नाकाबंदी फौरी खत्म करनी चाहिए। उन्होंने यमन से मुतालिक यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे मार्टिन ग्रिप्स से कहा कि वो सऊदी इत्तेहाद पर फौरी दबाव डालें। सऊदी अरब ने कहा है कि वो जीसीसी मुल्कों के दरमियान इत्तेहाद का पाबंद है। सऊदी हुकूमत के एक तर्जमान ने कहा कि 1981 में जीसीसी तंजीम बनाए जाने के बाद से सऊदी अरब ने एक मुतवाजन अप्रोच इख्तियार किया जिसके तहत मुश्तरिका मकसदों को हासिल करने की हर कोशिश की तायद की गई। सऊदी तर्जमान ने ये बातें कैसे वक्त कही है जब सऊदी इत्तेहाद और खतर के दरमियान इख्तलाफात दूर करने के लिए ताजा कोशिशें नाकाम साबित हुई है। फ्रांस में एक बंदूकबरदार ने 3 पुलिस ऑफिसर्स को हलाक कर दिया। इन पुलिस ऑफिसर्स को डोमेस्टिक वायलेंस के एक केस के सिलसिले में तलब किया गया था। समझा जाता है कि 48 साल मुलजिम से अहदेदार वाकिफ थे जो इससे कबल बच्चों की कस्टडी के केस में शामिल था। बाद में हमलावर भी मुर्दा पाया गया। सदर इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि पूरी कौम मारे गए पुलिस ऑफिसर्स के खानदान के गम में शरीक है। वजीर दाखिला ने तस्दीक की कि हमलावर मुर्दा पाया गया है। समझा जाता है कि उसने अपनी कार में खुदकुशी कर ली है। वजीर आजम जैन ने कहा कि इस सानहे से पूरा मुल्क दहल गया है। वजीर आजम जैन कैस्टेक्स ने कहा कि इस सानहे से पूरा मुल्क दहल गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिनकी सदारत के आखिरी दिन चल रहे हैं 15 लोगों की माफी का हुक्म जारी किया है जिनमें 4 साबिक सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स भी शामिल हैं जिन्हें 2007 में बगदाद में हलाकतों के लिए मुजरिम करार दिया गया था। इस कत्लेआम में एक दर्जन से ज्यादा सिविलियंस हलाक हुए थे और मुल्क में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के इस्तेमाल पर पूरी दुनिया में हंगामा बरपा हुआ था। ट्रंप ने अपनी मुहिम के एक साबिक अहदेदार को भी माफ कर दिया जिन्हें 2016 में सदारती इलेक्शन से रशिया की छेड़छाड़ के इल्जाम की तहकीकत के सिलसिले में सजा दी गई थी। ट्रंप ने एक रशियन दौलतमंद के डच दामाद को भी माफी दे दी जिसे अमरीकी अहदेदारों से बास कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में झूठ बोलने के लिए सजा दी गई। ब्लैक वाटर सिक्योरिटी तंजीम के हावियों ने उन लोगों को माफ करने के लिए एक मुहिम चलाई थी जिन्होंने इराकियों को हलाक किया था। ये लोग उन फौजी गाड़ियों का हिस्सा थे जिन्होंने निहत्ते इराकी सिविलियंस पर फायरिंग की थी। इस वाकये को निसार स्क्वायर कत्लेआम के नाम से जाना जाता है। 14 मरने वालों में कम से कम 2 बच्चे भी शामिल थे।
दुनिया भर से में आइए लेते हैं एक वक्फा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश, किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाकई 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क, आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुटा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तसव्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलत मंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। ट्रंप ने राहत पैकेज रद्द कर दिया, अमरीकी सकते में, बाइडेन ने कहा जिम्मेदारी संभालते ही बिल पास करूंगा। कतर और UAE में कोविड वैक्सीनेशन शुरू, अमाराती फतवा काउंसिल ने कहा खिंजीर के अज्जा हो तब भी वैक्सीन जायज है। फ्रांस और डेनमार्क में भी वायरस की नई शक्ल पाई गई, कोरोना अंटार्कटिका भी पहुंच गया। WHO की हंगामी मीटिंग में वायरस की नई शक्ल पर गौर, यूरोपीय मुल्कों ने बर्तानिया के लिए सामान पर पाबंदियां नरम की। इंडिया के कोविड केसों में 24,000 का इजाफा, कर्नाटक में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया। ट्रंप ने इराकी कत्लेआम में शामिल सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स की सजा माफ कर दी। इसराइल को तस्लीम करने से त्यूनस का इनकार, कहा फलस्तीनी भाइयों के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। इसराइल में 2 साल में 4th इलेक्शंस का रास्ता साफ, नेतन्याहू और बिनी गेंट्स के दरमियान हंगामी इत्तेहाद टूट गया। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के असरा से निमटने के लिए कांग्रेस में मंजूरा $900 मिलियन के बिल को रद्द कर दिया है। ट्विटर पर ट्रंप ने कहा कि यह बिल शर्मनाक है और बेकार है। इस बिल को कोविड रिलीफ बिल कहा जा रहा है, लेकिन इसमें कोविड के बारे में कुछ नहीं है। इस बिल के तहत COVID-19 से मुतासर अमरीकी शहरियों और कारोबारियों को मदद दी जाने वाली थी। ट्रंप के इस फैसले से सब लोग सकते में हैं। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने लंबी बातचीत के बाद, तवील बातचीत के बाद इस बिल से इत्तेफाक किया था। ट्रंप इस बातचीत से दूर ही रहे थे, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस में मंजूरी के बाद वो इस बिल पर दस्तखत कर देंगे। अगर ट्रंप इस बिल पर दस्तखत कर जाते तो ये एक कानून बन जाता। ट्रंप ने यह बात साफ नहीं की कि क्या वो बिल को वीटो कर रहे हैं। अमरीका के प्रेसिडेंट एलेक्ट जो बाइडेन ने कहा कि वो अगले महीने जिम्मेदारी संभालने के बाद एक और राहत बिल मंजूर करेंगे। दुनिया भर के COVID-19 केसेस 78 मिलियन से ज्यादा हो गए हैं। अब COVID-19 की एक नई शक्ल से दुनिया भर में खतरा पैदा हो गया है। बताया जा रहा है कि यह नई शक्ल बहुत ज्यादा तेजी से फैल सकती है। सबसे पहले इंग्लैंड में यह नई शक्ल पाई गई, जिसके बाद कई मुल्कों ने इंग्लैंड के साथ अपना राबता तोड़ दिया। COVID-19 की वजह से अब तक 17,18,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने यह बात बताई है। 4 शुबे को WHO की एक हंगामी मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें कोरोना वायरस की नई शक्ल से पैदा सूरत हाल पर गौर किया गया। यूरोप से मुतालिक WHO के रीजनल डायरेक्टर हॉन्स क्लिज ने
कहा कि जब तक बेहतर मालूमात नहीं आ जाती सफर को महदूद करना ही समझदारी का काम है। लेकिन इसके साथ साथ WHO अहदेदार ने कहा कि ट्रांसपोर्ट खिदमात जारी रहनी चाहिए ताकि खुराक, दवाएं और फ्यूल की सप्लाई में कोई रुकावट पैदा न हो। इस दौरान फ्रांस में भी कोरोना वायरस की नई शक्ल पाई गई है। डेनमार्क में वायरस की नई शक्ल देखी गई। इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में भी कोरोना वायरस की नई शक्ल पाई गई है। इस दौरान जर्मनी में कोरोना वायरस की 962 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है। ये एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात है। जर्मनी में पिछले हफ्ते लॉकडाउन लगाया गया था और इसके बावजूद इतनी ज्यादा तादाद में अमवात दर्ज की गई है। और इस दौरान यूरोपीय मुल्कों ने बरतानिया के खिलाफ लगाई गई पाबंदियों में कुछ नरमी दी है और सामान और जरूरी चीजों के आने जाने पर पाबंदियां नरम की गई है। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस अंटार्कटिका पहुंच गया है। पिछले हफ्ते चिली की फौज ने बताया कि अंटार्कटिका के एक अड्डे पर 36 लोग इस वायरस से मुतासिर पाए गए। यूएई में चारशंबे से मुफ्त वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की गई है। दुबई की क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने यह बात बताई। यूएई ने फाइजर और बायोनटेक की वैक्सीन यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यूएई में फाइजर और बायोनटेक की वैक्सीन दी जा रही है। अमारत में अब तक 1,96,000 केसेस पाए गए हैं और 642 अमवात दर्ज की गई है। ओमान में भी फाइजर बायोनटेक की वैक्सीन पहुंच गई है। खतर और कोयत में भी जल्द ही ये वैक्सीन पहुंच जाएगी। ईरान में 10,000 वॉलेंटियर्स ने कोविड-19 वैक्सीन के तजुर्बात में हिस्सा लेने के लिए अपना नाम दर्ज कराया है। देसी कोविड-19 वैक्सीन के तजुर्बात में वो हिस्सा लेने के लिए अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। रिसर्च टीम के डायरेक्टर हसन जलीली ने बताया कि 17,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक इस सिलसिले में राबता किया है और 9,900 से ज्यादा लोगों ने अपना नाम दर्ज करवाया है। इन वॉलेंटियर्स की उम्र 18 से 50 साल के दरमियान है। वो सेहतमंद है और उनमें किसी बीमारी का रिकॉर्ड नहीं पाया जाता। पहले मरहले में 56 उम्मीदवारों को चुना जाएगा मुंतखब किया जाएगा। उधर खतर में टीका अंदाजी मुहिम शुरू हो गई है। पूरे मुल्क में कई फैमिली हेल्थ सेंटर्स में वैक्सीन दी जा रही है और सबसे पहले उन लोगों को वैक्सीन दी जा रही है जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है और जो कई बीमारियों का शिकार है। और इसके अलावा हेल्थ वर्कर्स को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। सबसे पहले एक 80 साल शख्स अब्दुल्ला अल कबीसी को वैक्सीन दी गई जो खतर यूनिवर्सिटी के साबिक प्रेसिडेंट है। वैक्सीन का सिलसिला 31 जनवरी तक जारी रहेगा। यूएई में 1,246 नए केसेस पाए गए और इसके अलावा 3 अमवात भी रिकॉर्ड की गई। यूएई की एक मजहबी अथॉरिटी फतवा काउंसिल ने कहा कि अगर खिंजीर के अज्जा भी कोरोना वैक्सीन में शामिल हो तब भी मुसलमानों के लिए उसके इस्तेमाल की इजाजत है। मुस्लिम दुनिया में इस ताल्लुक से तशवीश का इजहार किया जा रहा था कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारी में खिंजीर के अज्जा का इस्तेमाल किया गया है। काउंसिल के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला ने यह फतवा जारी किया और कहा कि इंसानी जिस्म की हिफाजत की सबसे अहम जरूरत की वजह से उस पर इस्लामी हद लागू नहीं होगी। काउंसिल ने कहा कि इस मामले में फॉक जेलटिन को दवा समझा जाएगा, खुराक नहीं। बरतानिया में कोरोना वायरस इन्फेक्शन की नई शक्ल सामने आने के बाद अंदेशों के दरमियान कर्नाटक के 2 जनवरी तक रात का कर्फ्यू यहां लगा दिया गया है। कर्नाटक में भी और इससे कबल महाराष्ट्र ने भी रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था। महाराष्ट्र हुकूमत ने भी चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा ने कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा ने कहा कि बैरूनी मुल्कों से कर्नाटक पहुंचने वाले तमाम मुसाफिरों का कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कोरोना वायरस की नई शक्ल सामने आने के मद्देनजर हुकूमत हिंद और टेक्निकल एडवाइजर के मशवरे पर यह फैसला किया गया है कि आज से 2 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। उन्होंने अवाम से कहा कि वो कोविड-19 की नई शक्ल की रोकथाम में ताबुन करें। इससे कबल कर्नाटक के वजीर सेहत सुधाकर ने टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के अरकान के साथ एक मीटिंग की और इस सिलसिले में नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इंडिया में कोविड-19 के 23,950 नए केसेस सामने आए हैं। वजरत सेहत ने यह बात बताई। फिलहाल मुल्क में 2,90,000 के करीब एक्टिव केसेस पाए जाते हैं। वजरत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 333 अमवात दर्ज की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमा को 6 रियासतों के किसानों के साथ बातचीत करेंगे। एक मरकजी स्कीम के तहत माली फायदे की अगली किस्त जारी करने के मौके पर यह राबता होगा। दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात बताई। ये एक वर्चुअल मीटिंग होगी। ये मीटिंग एक ऐसे वक्त हो रही है जब एग्रीकल्चर लॉस के खिलाफ तकरीबन 1 महीने से किसान दिल्ली की सरहदों पर जबरदस्त एहतजाज कर रहे हैं और अब तक एहतजाजी किसानों और हुकूमत के दरमियान इस सिलसिले में बातचीत नाकाम रही है।
और आइए वापस रुक करते हैं दुनिया भर से की हेडलाइंस का। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश, किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाकई 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क, आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुटा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तसव्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलत मंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। ट्रंप ने राहत पैकेज रद्द कर दिया, अमरीकी सकते में, बाइडेन ने कहा जिम्मेदारी संभालते ही बिल पास करूंगा। कतर और UAE में कोविड वैक्सीनेशन शुरू, अमाराती फतवा काउंसिल ने कहा खिंजीर के अज्जा हों तब भी वैक्सीन जायज है। फ्रांस और डेनमार्क में भी वायरस की नई शक्ल पाई गई, कोरोना अंटार्कटिका भी पहुंच गया। WHO की हंगामी मीटिंग में वायरस की नई शक्ल पर गौर, यूरोपीय मुल्कों ने बर्तानिया के लिए सामान पर पाबंदियां नरम की। इंडिया के कोविड केसों में 24,000 का इजाफा, कर्नाटक में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया। ट्रंप ने इराकी कत्लेआम में शामिल सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स की सजा माफ कर दी। इसराइल को तस्लीम करने से त्यूनस का इनकार, कहा फलस्तीनी भाइयों के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। इसराइल में 2 साल में 4th इलेक्शंस का रास्ता साफ, नेतन्याहू और बिनी गेंट्स के दरमियान हंगामी इत्तेहाद टूट गया। नजरें इसी के साथ दुनिया भर से का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।